जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनएफ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। इस महीने में देखिए चार चार ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ग्रहों का गोचर बहुत ही शेष रहने वाला है। ऐसा शुभ संयोग देखिए कई वर्षों के बाद बनता है और इस बार देखिए 2 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ है। इसमें आप माता रानी की आराधना अवश्य करें, उनकी सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही दोस्तों 9 भाग्यशाली राशियाँ ऐसी हैं जिनको संतान सुख के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होने वाली है। हर कार्य में इनको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, इनका हर कार्य सफल होगा। दोस्तों उन 9 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि सभी राशियों के लिए ही बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छे मतलब शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं, जीवन में खुशहाली का आगमन होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से जो 9 भाग्यशाली राशियां हैं उनकी हम जानकारी देने वाले हैं कि उनको अप्रैल के महीने में बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और नवरात्रि के ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। दोस्तों इन 9 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है, इनको धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, संतान सुख के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा संतान सुख का योग बना हुआ है। साथ ही नवरात्रि के दिनों में माता रानी की आराधना अवश्य करें, जो हमने चरल में उपाय डाले हैं उनको भी अवश्य करें, निश्चित ही आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी देखिए संतान सुख का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। थोड़ी सी आपको मतलब आर्थिक क्षेत्र में परेशानी आ सकती है लेकिन संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अप्रैल का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए नवरात्रि पर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आपको धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही अगर किसी क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो नवरात्रि के दिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और आपके लिए तो माता रानी की विशेष कृपा होने वाली है। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा संतान सुख का योग बना हुआ है और माता रानी की उपासना अवश्य करें, निश्चित ही आपको और शेष लाभ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए भी धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन आपका सुख में व्यतीत होने वाला है। बहन भाइयों का आपको साथ मिलने वाला है, नौकरी में तरक्की के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और संतान सुख में बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही कार्य में सफलता के बहुत अच्छे योग बने, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है मकर राशि और उसके बाद है कुंभ राशि और मीन राशि। दोस्तों इन 3 राशियों के लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, संतान सुख का, धन लाभ का, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। नवरात्रि के दिनों से आपके लिए शुभ समय प्रारंभ हो चुका है तो यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, माता रानी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों ये 9 भाग्यशाली राशियां थी जिनका हमने आपको राशिफल बताया है और नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ चल रहे हैं सभी राशियों के लिए। आप सच्चे मन से माता रानी की पूजा आराधना अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें, निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय माता दी।